हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आप लोग कैसे निकलते हैं? आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में फ्रेंड्स हम जा रहे हैं पर्यावरण बचाने की छोटी सी कोशिश करने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड लेके आए हैं आम का पेड़। यहाँ पे कर रहे हैं गड्ढा, तो मतलब लेके आए हैं चार पेड़। तो कल लेके आए हैं, कल गए थे सिटी में, गए थे बस्ती, और काफ़ी दूर था तो भीगते हुए गए हैं, भीगते हुए आए हैं। मतलब तो सारा दिन भीगे थे, भीगते भीगते गए क्योंकि इनको बाहर जाना है। तो फ्रेंड्स ये मतलब गड्ढा कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, और यहाँ पे एक लगेगा पेड़। मतलब तो चार पेड़ लेके आए हैं, तीन है आम का पेड़ लाए हैं, एक लाए हैं चीकू का। देखने में थोड़ा खूबसूरत भी लगता है, छोटा रहता है, इसलिए हम बोले चीकू का भी ले आओ। तो लेके आए हैं पास पेड़ लगाने की नहीं, हम और भी पेड़ लगा सकते हैं। काफ़ी पेड़ लगाए जब से आए हैं यहाँ अपने ससुराल में। तो क्या है, ज़मीन भी चाहिए, ज़मीन उतना है नहीं, ये भी है, इससे भी लोग मिलते हैं मेरा ने, लेकिन हम बोले वहाँ लगा देंगे, कोई बात नहीं। ये देखिए लगाने जा रहे हैं, लगाओ नीबू एक पत्ती या तोड़ के लाओ। नीबू पत्ती तो फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि मतलब नीम की पत्ती लगेगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड यहाँ पे कर रहे हैं गड्ढा, और देखिए पेड़ कितना बड़ा, इतना बड़ा है। तो मैं भी आपको दिखा रही हूँ जब से मैं आई। एक देखिए नींबू का पेड़ है, और फिर यहाँ पे देखिए नीम का पेड़ है, फिर यहाँ पे वो सामने है, मैं कई पेड़ लगाई हूँ। आप लोग देखिए, ये देखिए यहाँ पे जामुन का पेड़ है, और ये भी नीम का है, आम का है, मैं दिखा रही हूँ पास से, देखिए। तो फ्रेंड्स एक पेड़ लग चुका है, ये देखिए यहाँ पे एक पेड़ लगा दिए हैं। अब एक पेड़ यार ऊँची जगह पे लगाना पड़ेगा, इसलिए वो ही जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ ऊँचा है। ऐसे देखिए मेरी सब्जी की खेती कैसे आजकल तैयार हो गया, हरा भरा, चारों तरफ हरा भरा है, और मेरा खेत भी हरा भरा है। ये ककड़ी है, यहाँ पे ककड़ी लगाए हैं, काकर लगाए, खीरा लगाए हैं, इधर ही नेनुआ पतिया कुल झर गए, कैसे देखो बहुत ईटा है बाबू बहुत। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गड्ढा कर रहे हैं पेड़ लगाने के लिए, तो यहाँ पे देखिए कितना ईटा निकल रहा। पहले यहाँ पे ये गाय बांधते थे, तो ईंट बिछा हुआ था, काफ़ी ईटा है यहाँ अंदर, निकाल रहे नहीं तो पेड़ लगेगा नहीं। हमें लागत था ककरिए हुए आप हरा बाट दूठू खीरा को नहीं लागू। तो फ्रेंड्स ये तीनों आम है, ये है ये है अमरपाली आम, और ये है दशहरी, और ये चौसा कोई आम है। एक लग गया है, दो लगाना है। तो जहाँ पे लगा रहे हैं वहाँ पे बहुत ईंटें निकल रहे हैं, क्योंकि पहले जो मेरे ससुर थे वहाँ पे ईंटें बिछा देते थे, और जो गाय वाय थे बहुत नीचे कर दिए दबा दबा के, और फिर ऊपर से माटी भी वहाँ पर गिरवा दिए, पकवा दिए, तो काफ़ी नीचे हो गया है। निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मतलब हम लोग अच्छा कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कुछ तो कमेंट कीजिएगा, प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग भी एक एक पेड़ लगाइए। तो फ्रेंड्स अब ये है कौन सा पेड़ है, ये दशहरी, दशहरी पेड़ लगा रहे हैं। एक यहाँ पे भी आम का पेड़ लगा रहे हैं, कभी फरेगा तो बाल बच्चे बड़े होंगे खाएंगे भी। एक यहाँ पे लग गया है, एक यहाँ लगा हुआ है, देखिए एक वहाँ लगा हुआ है आरू के पास में, आरू जहाँ खड़े हुए आम खा रहे हैं। वहीं से तू रहे हो हम वहाँ पड़ो वहीं से अनु भैया दीदी फ्रेंड्स लग गया है। तो फ्रेंड्स धूप भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बादल भी है, चल रहे फटाफट नहा ले जाना है, भी दवा लेने। देखिए सब्जी भी हो गया है, भिंडी तैयार है एक दो। तो फ्रेंड्स आम का पेड़ लगा दिए हैं, अब ये है लीची का पेड़, इसको लगाने जा रहे हैं हम लोग। इसमें देखिए छोटे छोटे लीची भी फरे हुए हैं, ये देखिए लीची नहीं है क्या, चीकू है, देखिए छोटा सा है बेचारा, इसमें चीकू लगा है। तो इसको भी तोड़ देंगे लगाने के बाद, क्योंकि ये भी ज़रूरी नहीं है फरना, बड़ा हो जाए बेचारा थोड़ा, फिर कितना सुंदर लगता है देखने में।
तो हम अपने बड़े पापा के यहाँ गए थे तो वहाँ देखे थे, ऐसे छोटा सा था, अच्छे से मतलब गोलाई में फरा, मतलब पूरा इसका टहनी फैला हुआ था, अच्छा लग रहा था देखने में। तो हम भी लेंगे तो मतलब लगाएंगे चीकू। तो आप लोग देख ही रहे हैं हमारे मतलब घर पे कितना पेड़ है, देखिए कितना छाया है। ये देखिए यहाँ पे पीपल है, आप लोगों को पहले भी बताए हैं, इधर भी देखिए पेड़ है, वहाँ पे नीम है, शहतूत है, फिर क्या कहते हैं आम का पेड़ है, फिर इधर गुड़हल है, फिर उधर नीम है, उसके बगल में वहाँ भी नीम है, मतलब सब जगह पेड़ ही पेड़ है सब। इधर यहाँ पे कनेर का पेड़ है, जैसे घर से निकलते छाए छाए मतलब सारा दिन छाँव रहता हमारे यहाँ घर के सामने भी घर पे भी, तो बहुत आराम लगता है, मतलब गर्मी एहसास नहीं होता, थोड़ा बहुत एहसास होता, ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर थोड़ा अगर। तो फ्रेंड्स ये लास्ट वाला है चीकू का पेड़, तो सोचिए इसको मतलब घर के सामने ही लगाएं, छोटा रहेगा, साफ़ सफाई यहाँ करते रहेंगे क्योंकि छोटा रहेगा, देखने में अच्छा भी लगेगा, बैठने के लिए यहाँ पर चबूतरा बना देंगे अच्छा सा सुंदर सा। देखिए आम खा रहा है, ना खाओ हरदम आम, ना पेट पिराए फ्रेंड्स, ये बहुत आम खाता है। फ्रेंड्स आज मेरा चेहरा थोड़ा काला लग रहा है मौसम की वजह से भी, ऐसे बहुत दर्द कर रहा था तो बहुत सारा तेल रखी हुई, इस वजह से थोड़ा चेहरा काला काला आ रहा है। और फिर जैसे साबुन से मुंह भी नहीं धुले हैं, डॉक्टर बोले हैं कम से कम साबुन उपयोग करें, यहाँ तक बोले थे साबुन ही उपयोग ना करें, लेकिन मैं बोली गर्मी का दिन है, पसीना होता है, चिपचिप होता है, तो साबुन तो भाई लगाना पड़ेगा। तो मतलब एक सजेशन दिए हैं मार्गो साबुन लगाने के लिए, तो वो भी कम से कम ही लगाना है। तो तेल की वजह से मतलब तो चेहरा काला काला लग रहा है, ऐसे मैं इतनी काली हूँ नहीं, हूँ थोड़ा बहुत लेकिन ये नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स सारे पेड़ लग चुके हैं, अब इसमें मतलब जो टेढ़े हो गए हैं उसमें लकड़ी लगाने के लिए गए हैं तोड़ने, ताकि इसको ऐसे करके इसे सीधा कर दे, देखिए ऐसे लटक जा रहा बेटा ना जब गिर पड़ो, तो ऐसे सीधा रहेगा। तो गए हैं मतलब तोड़ने डंडा, अब हम जा रहे हैं नहाने क्योंकि टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा, 12 से ऊपर हो गया, मेरी लड़की स्कूल से आने वाली है तो उसको भी नहलाना है, फिर हॉस्पिटल भी जाना है, ना जाओ गिर पड़ो। तो फ्रेंड्स बाय बाय, आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करिएगा, थैंक यू।